यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को पटना पुलिस ने घेर कर लाठियों से पिटाई की है। बिहार विधानसभा घेराव के लिए निकले कांग्रेस की युवा इकाई के प्रदर्शनकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई। पटना के बोरिंग रोड चौराहे के पास पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। लाठीचार्ज के दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि डबल इंजन सरकार याद रखे, वो सरकार में सिर्फ समय के मेहमान है। मगर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो काफी निर्मम तरीके से कांग्रेस नेताओं और बीवी श्रीनिवास की पिटाई की गई। देखिए किस तरीके से आज प्रशासन जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करने का काम करती है। आज भी लगभग 80 के ऊपर कार्यकर्ता के ऊपर इंक्लूडिंग विधायकों को तक नहीं छोड़ा है। भरपूर लाठी बरसने का काम सरकार ने किया है। और क्या था हमारा मांग, क्या था जो स्पेशल स्टेटस को लेके जो हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी जी ने एक कोकला बजट दे दिया अपने कुर्सी बचाने के लिए। और जो किस तरीके से यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, जो छात्र के साथ पेपर लीक में क्या हुआ, जो पढ़े लिखे थे सालों साल से उन लोग ने मेहनत किया था उनके साथ क्या हुआ, ये सारी चीजों को लेके आज आवाज उठा रहे थे। आज सरकार ने किस तरीके से लाठी बरसने का काम आप लोगों के आंखों के सामने हुआ। बट कांग्रेस पार्टी हम लोग डरेगा नहीं है, कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का सिपाही लोग हैं हम लोग। आने वाले दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में हर तालुक लेवल में आवाज उठाने का काम करेगा। ये लोग सोच सकता है आज लाठी भरने से लोग आगे दे इनको कहीं ना कहीं डराने का कोशिश कर रहा है, ये नहीं होगा। ये और अच्छी लेवल पे ये हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये महात्मा गांधी जी का देश है, ये महात्मा गांधी जी का देश रहेगा। आप कुछ भी करिए ये गोडसे देश बनने नहीं देंगे। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगा। इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम हम सारे कार्यकर्ता मिलकर हम करेंगे। पुलिस ने कहा है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था। देखिए परमिशन का बार बार पुलिस ने उनका जो प्रेस नोट रिलीज किया है उसमें देखिए ये 22 तारीख को ही हम लोग ने प्रशासन सारे इनका थाने का इंचार्ज को सबको दे दिया गया है। उन लोगों तरफ से बात भी हो गया है। उन लोग ने बस रिटर्न पे नहीं दिया करके उनका कहना है इस विधानसभा जब भी चला होगा तब ऑफिशियली वो लोग कोई यहाँ नहीं पूरा देश में कहीं भी उन लोग ने ये परमिशन ऑफिशियली नहीं देता है। तो आज लाठी चार्ज उन लोग ने कर दिया इसीलिए ये बात परमिशन के बाद उन लोग ने कर रहा है। जो उन लोग ने जो पुलिस का जो लग गया करके उनके एक पुलिस के साथ ये हुआ करके उनका कहना है उसमें अपने ही वो बैरिगेट को लग के उनको खून आ गया है। कार्यकर्ता कितने शांति से कर रहा था तो उसके साथ इन लोग ने जो व्यवहार किया है ये बिल्कुल गलत है। ये हम घोर इसको खंडन करते हैं। आपके कितने कार्यकर्ता घायल हुए? लगभग 70 से 80 कार्यकर्ता तमाम लोग ने हॉस्पिटल में जो सारी पर्ची भी यहाँ है उन लोग ने दिखाया गया। कुछ लोगों को थोड़ा एयरलाइन बोन फ्रैक्चर भी हुआ है। ये सारी सरकार इस तरीके से व्यवहार जो किया है, जो बिहार का जो इन लोग ने 59 करोड़ में इनको खुद इन लोग ने पीट तपा रहे है, शराम माना चाहिए सरकार को। पिछली बार चुनाव के टाइम में 1,25,000 करोड़ इन लोग ने ऐलान किया था, कहाँ है वो? अभी तक तो कोई देखा नहीं है। तो एम्स के बाद बोले थे, एम्स कहाँ है? पटना में छोड़ के 2-3 एम्स खोलने का बात इन लोग ने किया, कहाँ है एम्स? मीन्स इन लोग ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ भी अभी जो सरकार ने प्रशासन ने इन लोग ने इस लाठी चार्ज को मामले को लेके खुद इन लोग भी झूठ बोलने का आपके सामने हुआ है। ये कल भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास के नेतृत्व में ये लड़ाई आज रुकेगा नहीं है, लगातार जारी रखने का काम हम करेंगे। वहीं प्रदर्शन पर अड़े कांग्रेस नेताओं से पहले नोकझोंक हुई, बाद में पुलिस की ओर से जब लाठी चार्ज किया गया तो लाठी ही लाठी भांजी की। वैसे पुलिस की ओर से वाटर कैनन का भी बंदोबस्त रखा गया था। आंदोलनकारी कांग्रेस नेता विधानसभा मार्च पर अड़े हुए थे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने विधानसभा तक जाने की इजाजत नहीं दी। बिहार विधानसभा का आजकल मॉनसून सेशन चल रहा है। वहीं प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज पर कांग्रेस के एक्स हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ लिखा कि बिहार में जहां बढ़ते अपराध, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक से जनता परेशान है, वहीं विशेष राज्य के नाम पर सरकार झूठ बोल रही है। सरकार की इस नाकामी और मनमानी के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस बिहार के साथियों ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष
श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पुरजोर प्रदर्शन किया। हमारी आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथियों के साथ बर्बरता की गई, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। इस अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से हम लड़ते रहेंगे। इसके साथ यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने भी एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें पुलिस कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाती नजर आ रही है। श्रीनिवास ने लिखा कि आज पटना में बिहार विधानसभा घेराव के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज की गई। डबल इंजन सरकार याद रखे, वो सरकार में सिर्फ समय के मेहमान है, एक एक लाठी का हिसाब होगा। वहीं इसी के साथ बताया जा रहा है कि इस आपाधापी में बिहार पुलिस के एक जवान का सिर भी फट गया। पटना पुलिस का आरोप है कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किया है, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। देखिए, काफी प्रदर्शनकारी काफी उग्र थे, उनका अपने हिसाब से वो प्रदर्शन करने चाह रहे थे। जो मार्ग उनका अधिकृत नहीं है, जो कम्प्लीटली गैर नजायज है, उस तरीके मार्ग को उन्होंने उपयोग किया और उपयोग करके बल प्रयोग कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने जो कुछ लोगों को डिटेंशन किया, उसके बाद उग्रता उनकी और बढ़ गई। फिर हम लोगों ने जो यहाँ पर वाटर कैनन लगी हुई थी, उनके पानी का हमने उपयोग किया, उसके बाद उन जो भीड़ थी उनको इधर उधर कर दिया गया। फिलहाल हम लोगों ने स्थिति को सामान्य करा दिया है और जो मार्ग है, जो अवरुद्ध मार्ग थे, उनको भी बहाल करा दिया गया है। देखिए, ये रूट मैंने पहले ही बताया कि ये रूट उनको परमिशन के लिए है ही नहीं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना था उनको, तो गर्दनीबाग जो क्षेत्र है वहाँ पर उनको विरोध प्रदर्शन करनी है, तो वो और इसमें उन्होंने कुछ उग्रता किया है, कुछ रोड़े भी चलाए गए हैं, जिस कारण से पुलिसकर्मी हमारे कुछ घायल हैं। दो पुलिसकर्मी घायल होने का अभी तक अपडेटेशन है हमारे पास, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हमने भेजा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।